इस मेला बाजार से लोगों को सस्ता भी भैंस की जरूरत होती है। आराम से भैया, ये पहली बढ़िया है, ये थोड़ी बजट में आ जाएगी क्योंकि अन्य भैंस के मुकाबले ये थोड़ी सी भैंस कद में छोटी है और शारीरिक बनावट में थोड़ी सी, अब इसको क्या कहा जा सकता है, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भैंस सबसे सही, जिनको 2 लीटर 3 लीटर दूध की जरूरत होगी। दांत में 4 दांत है, पहली पाणी है, पहली पाणी है। इसका बच्चा क्या है भैया? पाणा है, पाणा है, पाणा है। ये देखिए 10 दिन के अंदर का ही बच्चा होगा। थोड़ा इधर ले चलिए तो भैया, इसके शरीर के ऊपर लोग ध्यान दें। 3 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर 3.5 लीटर दूध के लिए ये भैंस सबसे सही, 3 लीटर से कम नहीं होगा। अगर आप इसको अच्छा से दाना पानी देंगे तो हो सके तो 4 लीटर भी दूध दे सकती है। क्या दाम मांग रहे हैं इसका? दाम तो विपिन भैया 55,000 कह रहे हैं। ये मांगने वाला है कि बेचेंगे? 3,500-2,000 नीचे ऊपर होगी, कम करेंगे, भाई का कहना है। और ये देखिए इसका जो थन है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब पहली बढ़िया है तो जिला चंदौली की भैंस है, बुरारी जिला चंदौली की भैंस, चंदौली जिला से भैया लोग भैंस को लेके आए हैं। बढ़िया है भैया, 55 की मांग कर रहे हैं, 50-50 के अंदर ही दे देंगे, 50-50 के आसपास, 50 के अंदर हो जाएगी अगर अच्छे से बातचीत किया जाए तो। अच्छा पाड़ा है भैया, भैंसी आपे की है तो घुमाइए ना, उनको घुमा दी। वाह 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 वाह, दरोगा जी हैं इनको प्यार से दरोगा जी बताया जा रहा है। गाभिन भैंस है और काफी हट्टी कट्टी भैंस है। ओहो, भारी भर कम गाभिन भैंस है। दुर्भाग्य से इसका सिंग जो है एक टूट गया है, लेकिन भैंस की काट कटिंग जो डिजाइन है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। ये देखिए इसको खरीदने के लिए लोग पीछे लगे हुए हैं। अभी कितना समय ले जाएगी बियाने में? 8 रोज भैया बोल रहे हैं। और बयान कौन सा हो जाएगा इसका? इनके और दो आला दिया है। दूसरा 15 किलो दूध। भैया का कहना है कि पहली बियात में इसे 15 लीटर दूध निकाला गया है। 16-17 कह दे लेकिन 15 ना करी, इतना बाटे 15 एक मान के ले लो। काफी चौड़ी भैंस है, ऊंची भी है। भैया दाम थोड़ा बताइए उचित दाम। विपिन भाई देखो मांगे कहते 25। ये व्यापारी लोग ताक में हैं कि थोड़ा दाम बताएं और इसमें हम बात चलाएं, लेकिन अब व्यापारी जितना दे दो मांगे कहते 125 का। 125 मांग रहे हैं भैया से, हमें गुप्त बातें करना पड़ेगा सावधानी से, इसके बाद ही भैया बताएंगे। ले चलिए आगे बढ़ाइए। जान दे यार, वो से देखो यार, वो आ भाई ले लो बस भाई, तो को दे ले, ले लो 15 किलो लगा 16 किलो दूध दे, लेकिन 12 किलो तेरा ना करी। ए भैया उसको छोड़िए, इधर आइए आप, एक ही भाव बोल दीजिए तो कहाँ तक हो जाएगा? अभी फिर भैया वही मैं 10-5 शेयर कम हूँ, 1-15 तक एक के अंदर नहीं आएंगे ना? 1-15 भैया बार बार हमसे बोल रहे हैं कि 1 के अंदर बेचना होगा, तो कब के बेच लिए होते, क्योंकि जब भी ये भैंस बिकेगी तो 1 के अंदर ही बिकेगी। सही बात, भैया का कहना है कि जर्सी गाय इसके आगे फेल हो जाएगी। साफ
भैया लोग इस भैंस को काफी ज्यादा दूध से धो रहे हैं। 5 लीटर एक टाइम दे दे। कहाँ है भैया दूध से धो रहे हैं? 10 लीटर दूध इधर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाजार लगा लेंगे। अच्छा बाजार लग गई है। बाजार लग गया है। जब भैंसों में दूध का रुकावट किया जाता है तो कभी कभार रिएक्शन भी देखने को मिलता है। और कुछ देर पहले इस भैंस को हम देखे थे तो सब के सब इसके बदन पे थोड़ा दूध साफ कीजिए तो हो गया। चकता चकता पड़ गया था। मैं तो दूध गई ना। आराम होगा ना? आराम हुआ? बहुत आराम हो गया। भैया कह रहे हैं कि अब आराम हो गया। कई बार क्या होता है कि जो दूध की रुकावट के वजह से भैंसों की जान चली जाती है। क्या भैया? पतला देखेंगे दूध 10 लीटर है। 10 लीटर दूध वाली ये भैंस बिकने के लिए आई थी लेकिन हमें लग रहा है कि बाजार में अभी रुक गई है, बिकी नहीं है ना भैया? नहीं बिकी नहीं। और भैया लोग इसको राहत दे रहे हैं दूध वगैरह निकाल करके, दवा वो दिए हैं। कभी कभार ये सब बड़ा जोखिम भरा कार्य होता है। कई बार मैं अधिकतर जगहों पे देखा हूँ भैंसों की मृत्यु हो जाती है दूध की रुकावट से। गाँव नाव के पूछने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ दाम बता दीजिए कि क्या दाम में देंगे। दाम में कर भैया 62,000 रखा था लेकिन अब है मजबूरी में का 55,000 दाम है। भैया बोल रहे हैं कि दाम इसका 62,000 रुपए रखा गया था लेकिन इस मजबूरी में 55,000 दाम में। 55,000। अच्छा इसके पास देखिए ये पड़िया है। बच्चा पड़िया है अभी मरने मरने 40 लाख मरने दवा दवा निकलनी है। 3 किलो निकले 3 किलो दूध देकर इसमें से निकाल चुके हैं। पूरा दूध नहीं निकाला जाता है नहीं तो और बीमार हो जाएगी। बहुत दूध दे ले दूध वाली है। चलिए भैंस बच गई। पसंद है भैया? 45 में भैया धार नहीं देखा ही। आप घरे चलिए कोनो बीमारी आप अगर जोर से तो खत्म कर देने का जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। भैंस के 52 पले हैं। भैया बोल रहे हैं कि 52,000 रुपए में इसको ले जाइए। दिलदार नगर के इस मेला मंडी से हम एक ड्राइवर भैया को पकड़े हैं। ये ड्राइवर भैया को हम भेज रहे हैं गिरी बाबा के पास। एक भैंस उनकी बिकी है और वही भैंस जाएगी कोचस की तरफ। देख लें क्या करेगा बता दीजिए आपने। क्या भाड़ा तय किया जा रहा है यहाँ से? अगर रेट भाव में अगर आ जाएंगे तो इनको भेजा जाएगा। जब हम इस मेला मंडी से वीडियो जारी करते हैं तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि विपिन भाई आप इस मेला मंडी से गाभिन भैंस नहीं दिखाते हैं। तो हम इस मेला मंडी से गाभिन भैंस को दिखा रहे हैं। इस मेला बाजार में एक हिस्सा ऐसा है जिधर गाभिन भैंस ही ज्यादा होती है। अभी ये कितना समय ले जाएगी भैया ब्याने में? भैया कह रहे हैं 10 दिन अनुमानता ही ये भी बोल रहे हैं। आप लोग मान के चले कि ये भैंस 10-12 लीटर दूध वाली है। थन भी सही है इसका। दाम 95,000 इसका। एक ही भाव बोलिए देने वाला। 85। थोड़ा इधर ले चलिए। तो भैया इसे 85 में बता रहे हैं। अच्छी भैंस है। दूध बियाने के बाद दूध कितना हो जाएगा भैया? जोर के बोलो। पान दीजिए। अगर आप लोग को इस मेला बाजार से गाभिन भैंसों की जरूरत होगी तो आ सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग को बहुत सारी भैंसें यहाँ पे मिल जाएंगी। मेला मंडी के एक हिस्से में गाभिन भैंसें ज्यादा बिकती हैं। कितना? 57। संतावन में खरीदे हैं।
मेला बाजार में आज बिक्री कैसी चली? आज मंदा चल रही है भैया। मंदा? देखिए चाचा का कहना है कि मंदा न भैया। हाँ मंदा चल। बहुत सारी भैंस है बिक्री के लिए शेष रह गई हैं। क्या बाबुआ सही बोले ना? यस। बहुत सारी आज भी इस मेला मंडी से बगैर बिके ही भैंस वापस जाएंगे। वीडियो देखला दिन भर देख। हां का नाम है आपका भाई का? महेंद्र सिंह। कहां बा ना? सुनपा। अच्छा अच्छा बना ला वीडियो तो कहिया पर से भैया गांव से आए हैं और वही यहां से भैंस खरीद रहे हैं। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि मैं इस मेला बाजार से कोई भैंस को खरीदूं तो उसका वीडियो जो है विपिन भाई बनाए। इस भैंस की खरीदारी ये जो हैं व्यक्ति ये देखिए यही कर रहे हैं। इस भैंस के पास जो बच्चा है हम देख रहे हैं ये देखिए ये मेल है पाड़ा है। बच्चा पाड़ा है भैंस को भली भांति परखा जा रहा है कि कहीं इसके दूध दूध में या थन में कोई दिक्कत तो नहीं ना है। एक से एक अनुभव वाले लोग भैंस के थन के पास आ रहे हैं। जैसे ही पुष्टि किया जाएगा वैसे ही इस भैंस की खरीदी पैसा देकर कर लिया जाएगा। जी आज घटी होती है पैसा।